सरकार ने विकलांग बच्चों के विकास के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, लेकिन शिक्षा के अधिकार अधिनियम के 2009 के तहत सरकार ने इनकी शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था लागू की है। मेरे समुदाय में भी ऐसे कई बच्चे हैं। आइए देखते हैं इनकी शिक्षा की क्या स्थिति है। तो विकलांग मेरे यहाँ पे एक श्रवण बाधित है, कान में खराबी है, उसकी कान सुनता नहीं था, लेकिन अभी उसको जब हमने उसकी रिपोर्ट दी तो हमारे सभी शिक्षा के द्वारा उसको श्रवण बाधित ग्रंथि मिल चुका है। जैसे पहले उसको बहुत परेशानी होती थी। मैं स्कूल आता हूँ रोज, मेरा कान खराब था, मैं स्कूल नहीं आता था। इस तरह के बच्चों को पढ़ाने का उसे कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है, ऐसा साफ तौर पर दिखता है। अब जहाँ तक हमको दिक्कत आती है, तो कक्षा एक में हमारे दो बच्चे ऐसे हैं कि उनकी वो मानसिक विकसित है कि मन आएगी तो बहुत जोर से चिल्ला जाएंगे क्लास में, और मन नहीं आएगी तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। अगर इधर को बुलाना चाहूँगी तो उधर को चले जाते, क्योंकि वो थोड़े मानसिक बुद्धि से परेशान है। और जब उनको सीखते सीखते भी बीच में मैं उनके साथ बैठे रहती हूँ तो अपना भी चिल्लाने लगते हैं और खुद मुझे पर झपड़ जाते हैं, तो वहाँ पर जरूर मुझे दिक्कत आती है, मैं किसी मुसीबत को दूर करूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि 18 घंटे तो अपने माँ बाप के पास बच्चा रहता है, अगर ये भी इन अक्षम बच्चों पर अगर व्यक्तिगत ध्यान देते तो क्यों नहीं ये बच्चे भी हमारी उस दृष्टि तक पहुँचते। मैं चाहती हूँ कि इन विशेष जरूरत वाले बच्चों की शारीरिक और मानसिक जरूरत के हिसाब से शिक्षा विभाग टीचरों को प्रशिक्षण दे। इसके लिए आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। गैरसैन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चंदन सिंह बिष्ट को 9412436116 पर कॉल करें और हमारी मदद करें। वीडियो वॉलंटियर के लिए गैरसैन उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटियाल।